प्रधानमंत्री के विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पहुंची अपर पुलिस अधीक्षक नगर कार्यालय। सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी महानगर कमेटी के महानगर अध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की सभी पार्षद प्रधानमंत्री के विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कराने के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर राजेश कुमार के कार्यालय पहुंचे। तथा पत्रकारों द्वारा बताया कि राजनीतिक विद्वेष के चलते पार्षद चंद्रजीत सिंह निक्को द्वारा एक अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स इंटरनेशनल एडिशन दिनांक 21 मई 2021 को एडिट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता में बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया। उक्त एडिटेड पेज अपनी फेसबुक आईडी के माध्यम से जनता में प्रचारित किया गया। इस प्रकार से एक समाचार पत्र के पेज को एडिट कर उसका इस्तेमाल करना एवं भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री की छवि धूमिल कर देना दोनों ही गंभीर अपराध हैं। अतः निवेदन करते हैं कि उक्त व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। ब्यूरो चीफ सहारनपुर हैदर अंसारी की रिपोर्ट। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। माननीय मोदी जी की छवि खराब करने के हेतु विपक्ष इतने निचले स्तर तक गिर गया है। यहाँ के सहारनपुर के पास निक्कू जी के द्वारा एक पोस्ट को एडिट करके न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के अंतर्गत दिखाया गया, जहाँ घड़ियाली आंसू मोदी जी के भर रहे हैं और उसमें मगरमच्छ की तस्वीर लगा दी, जो कि उस दिन जो अखबार था उसमें कुछ और न्यूज थी उसको एडिट करके की। ये विपक्ष के दलों के पास कोई काम नहीं है, देश की और माननीय मोदी जी छवि खराब करने का काम करे। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एसपी सिटी से मिलकर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की और शीघ्र इस पर कठोर कार्रवाई होगी। धन्यवाद।